गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हम हैं घर पे और आज ड्रैगन फ्रूट हार्वेस्ट करना है, तो जा रहे हैं वाड़ी पे। ये सभी इक्विपमेंट ले लिए, ये चेस्ट मोबाइल होल्डर है, तो चलते हैं वाड़ी पे। तो चलिए लेट्स गो। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अभी ड्रैगन फ्रूट उतारने के लिए। लाल लाल खाली उतारवाना है, लाल लाल चाहिए। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे, वो हो गए हैं, पक चुके हैं। आ रिटर्न ले जाए दोबारी दा। ना ना एवं नहीं, लाल जेव हो, लाल जेव लाग तो ये उतार लीजिए। भले आवा उतार लीजिए, उतारी ना काल लाल थी गए ना। ये निकल रहे हैं ड्रैगन फ्रूट, बहुत सारे रेड हो गए हैं। घूम घूम के लेना पड़ रहा है। तो ये निकलना पड़ता है जिसके कारण इसमें मक्खियाँ मच्छर और दूसरे कीड़े बहुत परेशान करते हैं फ्रूट को। आपको दिख रहे हैं सभी रेड रेड, वो सभी पक चुके हैं। आपको दिखाऊंगा लास्ट में कितने कैरेट हुए, कितने बॉक्स हमने पैक किए। 5 kg का पैकिंग है हमारा। यह बहुत मुश्किल है इसको उतारना। अब चल रहे हैं दूसरे लाइन पे। देखते हैं यहाँ पे ये नहीं उतारने हैं, कल उतारेंगे इसको। अभी ये जो रेड है इसको उतारना पड़ेगा। इसमें थोड़ा मध्य अगड़ा का इफेक्ट है, वो चिपचिपा हो जाता है पूरा,
इसके ऊपर दवा स्प्रे करना पड़ेगा। तो अभी इतने उतारे हमने लेगर फूट, और अभी यहाँ पे 3-4 कैरेट भरे हुए हैं। यहाँ पे रख दें, यहाँ पर पड़ी बचपन में अभी आधा हुआ है इधर तक, उसके बाद बाकी है। तो चलिए निकालते हैं, थोड़ा चिपचिपा सा है क्योंकि जो स्वीटनेस आती है उसके कारण ही आती है, तो हाथ थोड़े वो हो जाते हैं, लेकिन पानी में धुलने से क्लीन हो जाते हैं। तो चलिए आगे काम बढ़ाते हैं। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी ड्रैगन फ्रूट का सब काम पूरा हो गया है, अभी ये 65 बॉक्स हुए हैं देखिए। तो चलिए उस वाड़ी पे चलते हैं, अभी कुत्तों को और छोटे पपी को खाना देना है, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हेलो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ इस वाड़ी पे। तो ये मैंने जो रील डाला था शॉर्ट्स वीडियो, ये छोटे छोटे पपी है, ये रही इसकी माँ। टोटल 5 पपी है, कितने मेल है कितने फीमेल पता नहीं, जब बड़े होंगे तब मैं बताऊंगा आपको। इधर मैं इसको खाना देने के लिए आया था स्पेशली, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए खाना भी चाहिए ताकि वो उसको दूध पिला सके। अभी यहाँ पे जो मैंने रामोक्सोल का स्प्रे किया था, उसमें देखिए सारे घास पूरा जल चुका है, ये देखिए पूरा ग्रीन था अभी पूरा येलो हो चुका है। तो अभी मैं उस वाड़ी पे जाऊंगा, थोड़ा यहाँ पे एक राउंड मारना है आम में, मतलब प्लांट में। तो पहले मोटर को ऑटो में से निकाल देते हैं, शायद कल स्टोरेज टैंक हमारा भर चुका होगा, फिर भी देख के आते हैं वहाँ पे, पहले देख लेते हैं वहाँ पे, उसके बाद हम इसको ऑटो से निकालेंगे। चलिए वहाँ पे चलते हैं स्टोरेज टैंक के पास। तो अभी मैं आ गया हूँ इधर मैंगो प्लांट्स के पास, तो ये देखिए अभी थोड़े थोड़े पत्ते सिकुड़ने लगे हैं, तो इसके ऊपर 19-19-19 और फॉस्किल स्प्रे करना पड़ेगा, उसके बाद पानी दे देंगे इसको। और ये कॉटन देखिए कितना बड़ा हो गया है, पूरा एकदम मस्त ग्रोथ हो गया। अभी इसमें जो कॉटन है वो निकालना है, अभी 2-3 दिन में लेबर आएंगे हमारे जो आदिवासी लोग होते हैं वो, तो उन लोगों से ही पूरा इससे ही चुनेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।